हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज कुछ चीज़ें मैं मार्केट से ख़रीद के लेकर आया था फॉर मोबाइल ब्लॉगिंग के लिए। तो सोचा हर किसी को आजकल ज़रूरत पड़ती होगी, तो सोचा आप लोग से कुछ शेयर कर दूं। तो जो जो चीज़ें मैं लेकर आया था, तो ये है आज ये सब सामान की अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ये पाउच है मोबाइल का। ये मोबाइल के लिए लेकर आया मैं। ये S4 का पाउच है और ये मुझे सदर मार्केट से 150 रुपये का पड़ा है। आम मार्केट में 250 रुपये कहते हैं, सदर मार्केट से तकरीबन 150 रुपये का ही मिला है। चलिए इसको साइड कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये व्लॉगिंग स्टैंड है, इसमें ये से लग जाता है, इससे आप मूवी बना सकते हैं। तो सेकंड चीज ये है। और ये हैंड फ्री आम मार्केट में तकरीबन 500 रुपये की है, मुझे ये 300 रुपये की पड़ी है। ये मैग्नेट है, ये है इसका नोज़ल है, रबर नोज़ल। ये छोटा कान बड़े कान, मतलब जिसके जो साइज़ में आ जाए ये उसके लिए है। चार ये इन्होंने दिया है। और ये हैंड फ्री है। ये मुझे मार्केट से 300 रुपये का पड़ा है, सदर मार्केट से 300 रुपये का पड़ा है। वैसे नॉर्मली ये तकरीबन 500 रुपये का होता है। लास्ट ये आइटम है बोया का माइक है। ये तो ये माइक भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कुछ पेपर वर्क है और ये वारंटी कार्ड है, जो मेरा नहीं ख्याल यहाँ चलता है क्योंकि चाइना वाले यहाँ वारंटी नहीं देते। बोया बाई M1। ये जी माइक है। और यहाँ पे बैटरी लगती है इसके, जो मैं पहले लगा चुका हूँ। यहाँ आप ऊपर करेंगे तो कैमरे पे चलेगा DSLR पर, और नीचे करेंगे तो ये स्मार्टफोन मोबाइल पे चलेगा। तो ये किस तरह से ये एक ऐप्स के ज़रिए चलता है वो भी आप लोगों को बता दूंगा वीडियो में। तो ये माइक है, ये ओपन मार्केट में तकरीबन 1200 रुपये का है। ये बोया की कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, बोया ओरिजिनल नहीं है, बोया की फर्स्ट कॉपी है। तो ये मार्केट में तकरीबन 1200 रुपये की है।
ये मैं सदर मार्केट से लाया था, होलसेल मार्केट से, 750 रुपये का ये। इसके साथ फिर ये एक बैग है, ये बैग है इसका, और ये कुछ इसके साथ ये जो मस्जिदों में एम्पलीफायर वगैरह में लगता है, ये सॉरी ये कॉलर पिन है, और ये इसका मस्जिदों में जो माइक चलते हैं ये उसमें लगता है। कॉलर पिन है ये, इसमें इसमें अटैच हो गई है। अच्छा, इसका रेट मैं बताना भूल गया था, ये मुझे उसने 250 रुपये बोला था, तो मैंने ये 200 रुपये का करा के लिया था। ये भी मुझे वो मोबाइल हारून मार्केट है उसी के अंदर से होलसेल रेट पे मिल गया था। जी, तो ये था कुछ सामान जो मैं सदर मार्केट से लेकर आया था, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस उनके थे। तो थोड़ा सा ये शो करना पड़ता है कि आप प्रोफेशनल हो, अगर आप नॉर्मली जाओगे तो वो रेट अपना बढ़ा देंगे। तो थोड़ा सा आप शो करें कि आप जो है ना, मतलब दुकान वगैरह के लिए ले रहे हैं आप, मतलब बोले नहीं, आप झूठ नहीं बोले, लेकिन ये है कि आप जो है ना, थोड़ा सा शो ऐसा करें कि आप नॉर्मली मतलब दुकान के ले जा रहे हैं या प्रोफेशनल हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी दुकानों से रेट टच करना पड़ता है, फिर जाकर किसी एक दुकान में आपको रेट समझ आता है। जो भी चीज़ लें पहले पता करें, सब 4 दुकान से कम पता कर लें, उसके बाद आपको रेट समझ आएगा। तो आई होप कि आपको रेट समझ आया होगा, जो चीज़ें मैं ले कर रहा हूँ वो अपन मार्केट में आप चेक कर लें, काफ़ी महंगे, तो ये मुझे बहुत सस्ते पड़े थे। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को अख्ताम करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।